गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हमने लोकगीत पाठ का विवरण किया था, जो आज इसका फिर एक बार हम पुनर्कथन करेंगे, यानी रिकॉल करेंगे। लोकगीत मीन्स क्या, फोक सॉन्ग्स को कहते हैं, जो हमारे गांव और गांव की जनता के गीत हैं। ये लोकगीत घर गांव नगर की जनता के गीत हैं, और सभी ये सीधे जनता की गीत हैं, यानी पब्लिक के। और इसके लिए साधना की जरूरत नहीं होती, यानी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। जो रोजमर्रा का जीवन है, जो हमारी डेली लाइफ है, उसी पर ये गाते हैं और बजाते हैं। इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं होती, इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते म्यूजिक के लिए। ये सीधे साधे अपने आप ये लोग गाते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए, आप पेज नंबर 72 पर हम इसका इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो ये हमारे आदिवासी जो गाँव के लोग हैं, इस तरह के ढोल बजाते हैं, तबला बजाते हैं, गाते हैं। इसे कोई साधना की जरूरत नहीं होती, कोई प्लान नहीं किया जाता, इसमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, इसीलिए इसे लोकगीत कहते हैं। लेकिन अशास्त्रीय है। क्या है? अशास्त्रीय संगीत, यानी नॉन साइंटिफिक है। तो चलिए, अब यहाँ पर क्या, इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। गाँव और वहाँ के इलाकों की बोलियों, यानी वहाँ की बोलियों में उनका अलग अलग बोलियाँ जो होती हैं उनकी भाषा में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आहतकार और आनंददायक होते हैं, क्योंकि जहाँ वो अपनी जो भाषा में गाते हैं उनकी अपनी सरल होती है उनके लिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा आनंददायक होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा, यानी जो रोजमर्रा की भाषा है, जो सरल भाषा का प्रयोग करते हैं आसान, इसीलिए लोगों को इसे समझ में आता है। इसीलिए इनकी भाषा इनकी सफलता का कारण है, इनकी सफलता ने इनके सक्सेस का कारण रीजन है। ये भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह यानी अनेक ग्रुप। समूह का अर्थ क्या है यहाँ पर? ग्रुप। देखिए यहाँ पे समूह का अर्थ, समूह में ग्रुप। कई प्रकार के कई लोग ग्रुप बनाकर इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार के विदेशियों से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। ये क्या है यहाँ पर इनके, विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर, ये भी एक फोक सॉन्ग है जो लोकगीत है, इससे बढ़कर दूसरे गाने कभी लोकप्रिय इन्हें पसंद नहीं किए जाते, किसी को वहां की जनता को पसंद नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियो और प्रियाओं की बात रहती है, लवर्स यानी प्रेमी प्रेमिका की बातें रहती हैं। परदेशी प्रेमी और इनके करुणा का विग्रह का रस होता है, इनसे करुणा और विरह का, इनकी जुदाई, इनकी बोलते सो प्यार, इनका इसने इसका रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि से भी दल गीत होते हैं, जो अधिकतर बिहार आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और दूसरी ओर स्त्रियाएं दूसरे जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं, यानी एक दूसरे के जवाब में ये दल बांधकर ग्रुप बनाकर गाते हैं और दिशाएं गुजा देते हैं। पर इधर कुछ काल में इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं, अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। वहाँ के जो वीर थे, कहाँ पर आरंभ तो इस कहाँ पर है, चंदेल राजाओं के राजकवि थे। कौन थे राजकवि? जगनिक थे, जो जगनिक से माना जाता है कि जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य, आल्हा और उदल की जो वीरता उनकी थी, जो उनकी बहादुरी थी, वो अपने महाकाव्य में बखान किया, यानी उसे बयान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, यानी अपनी जन बोली यानी उनकी अपनी मातृभाषा में उसको उसके विषय यानी उसके टॉपिक को अपने गांवों में भी उसे ऐड किया, अपने गीतों में उतारा। और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। तो ये क्या है, लोकगीत आज भी हमारे गाँव में, हमारे देश में बहुत ही प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रसियों पर खेल करते हुए गाते हैं। नट रसियों पर यानी बंदरों को नचाकर जो खेल करते हैं उन पर भी गाते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, यानी अनंत संख्या यानी अनलिमिटेड जो ये लोगों के
गिनती है जो अपने देश में स्त्रियों के गीतों की यानी लेडीज के अनंत संख्या यानी अनलिमिटेड। तो स्त्रियों की यानी लेडीज की जो है तो ये गीत भी लोकगीत ही पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की कमी नहीं है पर इन गीतों का संबंध विशेषतः यानी खासकर स्पेशलिटी क्या है इसमें स्त्रियों से है। इस दृष्टि से यानी इस नजर से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। इस दृष्टि से या इस नजर से देखा जाए तो हमारा भारत इस दिशा में इस एंगल से सभी देशों से यानी सभी कंट्री से डिफरेंट है, भिन्न है यानी डिफरेंट है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है। सभी दूसरे देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं होते, मिले जुले ही होते हैं। दूसरे कंट्रीज में लेडीज और जेंट्स के सभी गीत यानी सॉन्ग्स मिलते जुलते ही होते, किसी के अलग नहीं होते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय नहाते जाते हुए राह में विवाह के मटकोण ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के यानी त्योहारों में क्या है नदियों में नहाते समय गाते हैं नहाते जाते हुए विवाह यानी शादी में यानी मैरिज में तो इस तरह अपने संबंधियों के लिए यानी अपने रिलेटिव्स के लिए जो प्रेमयुक्त हमारा उनके लिए जो प्यार है उसके लिए जन्म और सभी अवसरों पर यानी बर्थडे पर और कुछ दूसरे अवसर यानी दूसरे स्पेशल मोमेंट्स में जो अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में अनेक गीतों का हवाला दिया है। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में अनेक गीतों का हवाला कई गीतों का हवाला भी दिया यानी रेफरेंस भी दिया है। हवाले का अर्थ क्या है हवाला यानी रेफरेंस देना। किसने दिया कालिदास ने। वैसे तो बारह मासे पुरुषों के साथ स्त्रियां भी गाती हैं यानी बारह मासे यानी बारह महीने साल भर पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं पुरुष नारी। यहां पर देखिए ये शब्दों का अर्थ समझो पुरुष यहाँ पे नारी नहीं आ सकता ये सूटेबल वर्ड्स में इसके विलोम लिंग बदलना है जेंडर चेंज करना है यहाँ पर पुरुष स्त्री मर्द औरत इसे एक महिला भी कह सकते हैं आप यहां पर स्त्री है औरत है महिला है तो इस तरह क्या है आदमी तो इसमें क्या है आपको लिंग चेंज करना भी होगा या ऑपोजिट भी कह सकते हैं आप यानी जेंडर चेंज हो गया यहाँ पे पुरुष के साथ स्त्री सूटेबल वर्ड है मर्द के साथ औरत है आदमी के साथ महिला है तो ये सूटेबल वर्ड्स है और यहाँ पर लिंग चेंज करना लिंग बदलिए तो यहाँ पर ये एक भी आपको समझने के लिए आसान है। देखिए आप अनंत गानों में से कुछ है तो वैसे बारह मासे पुरुषों के साथ ये नारियां भी गाती हैं। यहाँ पर और एक बात क्या है नर नारी भी आ सकता है यहाँ पर नर नारी यहाँ पर देखिए आप नर नारी यानी मर्द आदमी थे यहाँ पर देखिए आदमी महिला पुरुष स्त्री तो इस तरह सूटेबल वर्ड्स यहाँ पर देख लीजिए और समझिए आप लोग। एक विशेष बात तो यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले ही नहीं गाए जाते अक्सर लेडीज के गाने अकेले नहीं गाए जा सकते हैं इस दल बांध कर गाए जाते हैं अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं अनेक कंठ यानी गला जो आवाज निकलती है अलग अलग कंठ यानी गला अलग अलग आवाज जो निकलती है गूंज उठती है वो यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता यानी सब एक साथ नहीं गाते फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं क्या त्योहारों पर यानी फेस्टिवल्स पर और स्पेशल मोमेंट्स पे वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं यानी सिंगर्स भी होती हैं जो विवाह जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। गांव में भी सिंगर्स होती हैं जो वहां के गाने गाती हैं जो उन्हें विवाह पर या जन्मदिन पर उन्हें बुला लिया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर खुश होकर हर्षित होकर उल्लसित का क्या है यहाँ पर उल्लसित हर्षित
आनंदित आनंदित प्रसन्न, क्या है ये सारे समानार्थी में काउंट हो सकते हैं आप। समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स, पर्यायवाची भी कहते हैं। उल्लसित होना यानी खुश होना, हर्षित होना ये खुश हो जाना, आनंदित होना खुश होना, प्रसन्न होना खुश होना। तो ये सारे शब्द अलग अलग है लेकिन इनका अर्थ समान है। तो यहाँ पर क्या स्त्रियां बहुत हर्षित होती हैं, यानी यहाँ पर देखिए आप पेज नंबर 73 पे उल्लसित होती हैं स्त्रियां, उल्लसित होकर दल बांध कर गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है। होली और बरसात की कजरी तो उनकी अपनी चीज है जब वो अकेली ही गाती हैं। ये जो सुनते ही बनती हैं पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और कठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्रा तक अपने अपने विद्यापति हैं, हम इसे बनाने वाले हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ नाच भी पुट होता है, यानी डांस भी करती हैं, यानी नाच डांस नृत्य क्या है यहाँ पर देखिए, नाच नृत्य इसे डांस भी कहे। गुजरात का एक प्रकार का दलिया गायन गरबा, जिसे विशेष विधि में इसे घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। गरबा तो आप तो गरबा क्या है, ये एक प्रकार का अलग से डांस है जो तारक मेहता में दया भाभी जो गरबा करती हैं आपको सबको पता होगा, शायद देखते होंगे तो गरबा जो घूम घूम कर घेरे में गाती हैं वो। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती है। इनके इनमें नाच गान साथ चलते हैं, नाचना और गाना साथ ही चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। सभी प्रांतों में यानी सभी स्टेट्स में हमारे लोकप्रिय ने बहुत पसंद किया जाने वाला है, सब जनता का पसंदीदा है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर यानी खास तौर पर औरतें ही गाती हैं इसे। गांव के गीतों के वास्तव में यानी अनंत प्रकार है, जो अनंत प्रकार है जो खत्म ना होने वाला है। जीवन जहां इटला इटला कर लहराता है वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी नहीं हो सकती। क्या है समझ में आपको बच्चों, गांव के गीतों के वास्तव एक्चुअली क्या है यहां पे अनंत प्रकार है, यानी कभी समाप्त ना होने वाला, कभी खत्म ना होने वाले प्रकार है। जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है यानी खुशियां ही खुशियां हैं वहां पर, तो इस तरह आनंद के स्रोतों की कमी नहीं हो सकती। उद्यम जीवन के ही वहां के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं, हमारे लिए प्रतीक है, हमारे लिए चिन्ह है। तो क्या समझे बच्चों, सारे चीजें क्या है साइंटिफिकली जो हमारा जो संगीत है आजकल जो बच्चे रीमिक्स ये जो गाने चल रहे हैं उसे पसंद करते हैं, गांव के गानों को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन आज भी ये लोकगीत हर जगह प्रसिद्ध है क्योंकि अपने जीवन का बहते जीवन का यानी रोजमर्रा के जीवन पर गाने गाते हैं ये लोग, इसीलिए हर प्रांत में हर जगह ये गानों को पसंद किया जाता है। और ये इसे अशास्त्रीय संगीत कहते हैं क्योंकि ये नॉन साइंटिफिक है। साइंटिफिक म्यूजिक क्या है, जो प्रैक्टिस करना है, समझना है, एक एपिसोड पर इस तरह का गाना लिखना है, उसे प्रैक्टिस करना, उसे फिर बोलते से उसे अरेंज करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेना, तो इस तरह के उसे साइंटिफिक कहते हैं। नॉन साइंटिफिक यानी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, अपने हिसाब से गाते हैं बजाते हैं, अपने जीवन पर सब चीज़ें बोलते हैं, यानी बिल्कुल सरल भाषा का उपयोग करते हैं यहाँ पर, इसीलिए सब लोगों को ये भाषा भी समझ में आती है, गाने और सब पसंद भी करते हैं। इसकी सफलता है, इसके सक्सेस का कारण क्या, रीज़न क्या है, यही है कि सरल भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज का पाठ यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो ये हेलो बच्चों एक बार से फिर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको, सॉरी, ये वन टाइम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ये लेसन वन टाइम अच्छे से रीडिंग कीजिए आप। रीडिंग करना है मौखिक करना, यहाँ पर देखिए आप स्पेलिंग स्पेलिंग्स के साथ भी कर सकते हैं आप, मात्राओं का बोलते सो पढ़ते हुए जैसे इंग्लिश में आप स्पेलिंग्स करते हैं वैसे ही स्पेलिंग्स के साथ कीजिए आप। यहाँ पर देखिए आप कैसे करेंगे, धातुओं की मात्रा धो, वाक छोटी की मात्रा बी धो बी, या को की मात्रा या, इस तरह हिंदी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। रीडिंग करने के लिए आप स्पेलिंग्स का प्रयोग करना यानी स्पेलिंग्स करके आप रीडिंग कर सकते हैं। लोकगीत लाखो की मात्रा लोक का को, यहाँ पर देखिए आप कैसे स्पेलिंग्स के साथ रीडिंग कर सकते हैं आप,
लाक ओ की मात्रा, लो का लोक, गा को बड़ी की मात्रा, ये कौन सी मात्रा है, बड़ी की, गा को बड़ी की मात्रा, गी त गीत, लोक गीत, गर गर, वा को आ की मात्रा, वा गर वा, हा वा को आ की मात्रा, वा, ला को आ की मात्रा, ला हवाला। तो इस तरह आप स्पेलिंग्स करते हुए आप रीडिंग कीजिए, लर्न एंड राइट। तो बच्चा ये है आज की कक्षा, यही समाप्त होती है। धन्यवाद।